हेलो नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और मैथ में अपना पहला चैप्टर रेशियो स्टार्ट किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। रेशियो क्या होता है बेसिक मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, एक बार क्विक रिविज़न फिर से करते हैं कि बेसिक में पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो का मतलब होता है जब दो समान इकाइयों की आपस में तुलना करते हैं, जब दो सेम यूनिट की आपस में कंपैरिजन कराते हैं, उसे हम बोलते हैं रेशियो। जैसे मीटर की तुलना मीटर से करते हैं, केजी की केजी से करते हैं, मिनट की मिनट से करते हैं। तो बेसिकली ये जो रेशियो होता है ये सेम यूनिट में ही किया जाता है। केजी की तुलना हम कभी मिनट से नहीं करते, मिनट की तुलना कभी हम केजी से नहीं करते। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली क्लास में पढ़ा था, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। क्वेश्चंस पहले लिखने का एक ही उद्देश्य है, कम टाइम में हम आपको ज़्यादा चीज़ें दे पाए, इसलिए पहले से क्वेश्चन को लिख लिया है। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, ए रेशियो बी बराबर लिखा है 3:2 एंड बी रेशियो सी बराबर हमारे पास लिखा है 4:2। हमसे पूछा जाता है ए रेशियो बी का मान देगा, बी रेशियो सी का मान देगा और हमसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब इस प्रकार से नंबर दिए जाएं और हमसे रेशियो पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, यानी कि जिसकी वैल्यू जो मैक्सिमम बार आता है, जो अधिकतम बार आता है, जो रिपीट होता है, उसको हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं, उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ए हमारा एक बार आया, सी हमारा एक बार आया, लेकिन यहाँ पर रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, बी हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि जो नंबर रिपीट होता है उस नंबर को हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। लिखा है ए रेशियो बी का मान 3:2 है और बी रेशियो सी का मान है हमारे पास में 4:2 यानी कि 4:2। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, ए का मान हमारे पास 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3। रेशियो वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद में मैंने सिखाया था कि वी रेशियो सी की वैल्यू रखेंगे तो वी के नीचे वी का मान लिखते हैं और सी के नीचे सी का मान। इस बार बी का मान हमारे पास 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद बताया था कि जब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, इस नंबर को हम आगे बढ़ाते हैं और इस नंबर को पीछे लाते हैं, ये हमारा करने का तरीका होता है। इस 2 को आगे बढ़ाएंगे और इस 4 को पीछे लाएंगे। इसके बाद में रेशियो इस प्रकार से लगा देते हैं और बताया था अब आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे हमें सिंपल करने के लिए अगर कोई संख्या कट रही होती है तो उसको काट देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। जैसे इसमें देखेंगे 2 की टेबल में 4 आता है, 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 3:2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी कि अभी 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा यहाँ पर 3, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचेगा 1। ये फाइनली हमारा रेशियो बना 3:2:1। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ए बराबर बी बाई 3 एंड बी बराबर सी बाई 2।
देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए बराबर बी बटे तीन और बी बराबर सी बटे दो, हमसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें इसके बटे एक मानेंगे और यहाँ पर बटे एक मानेंगे और इसके बाद में क्रॉस इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कराने से ये थ्री हमारा इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री ए बराबर ये वन बी के पास जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन बी। और मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर आपस में बराबर हों तो उनका रेशियो अपोजिट होता है, ए का मान एक कहलाएगा और बी का मान क्या कहलाएगा तीन। जब दो नंबर आपस में बराबर होते हैं तो बताया था कि उनका रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, विपरीत होता है, इसलिए यहाँ पर ए का मान वन होगा और बी का मान क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा टू बी और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे वन सी बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि सी की जो वैल्यू होगी वो टू होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हमारे पास वन होगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे ए और बी, यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है तो ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन लिखेंगे और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखेंगे यहाँ से थ्री है, यहाँ पर लिख देंगे थ्री। तो ए रेशियो बी यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा ए रेशियो तीन, यानी कि वन रेशियो थ्री। ऐसे यहाँ से निकालेंगे बी सी का मान निकालेंगे तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगी तो बोलेंगे बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से वन आएगी, वन रेशियो। सी की वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से टू निकलेगी। इसके बाद वही अपना पुराना तरीका कि इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे, इस नंबर को पीछे लाएंगे, तीन को यहाँ पर बढ़ा देंगे और एक को यहाँ पर पीछे लाएंगे, सब में लगा देंगे रेशियो। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे वन आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा। फाइनली अपना रेशियो बनेगा वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का ये आंसर रहा, वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि ए रेशियो बी बराबर थ्री बाई टू एंड बी रेशियो सी बराबर हमारे पास है वन बाई फाइव रेशियो वन बाई सेवन। और हमसे पूछा गया है ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। देखो अभी तक जो सवाल पढ़ा उसमें सिंपली ए रेशियो बी का मान थ्री रेशियो टू फाइव रेशियो थ्री फोर रेशियो टू इस प्रकार से दे रहा था। इस बार इसने क्या किया, चेंज कर दिया है, इस नंबर को बटे में लिख दिया है, यानी कि हंस अंश और हर में लिख दिया है। नंबर को कैसे, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है, अंश और हर के रूप में लिख दिया है। अब इस नंबर को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सवाल हमारा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमें उस लॉन्ग प्रोसेस से बचना है, हमें क्वेश्चन को आसानी से शॉर्ट में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे यहाँ से कोशिश करेंगे कि जो नीचे हर में संख्या है इसको यहाँ से हटाएं, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास में ये भी मान दिया गया है रेशियो, यहाँ पर सेवन बाई थ्री लिखेंगे सेवन बाई थ्री एंड बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई थी वन बाई फाइव रेशियो वन बाई सेवन। इस हर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना जब भी संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी हों उन संख्याओं को कोशिश करेंगे उस नंबर को सिंपली हम क्या करेंगे इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे कोई संख्या कट रही होती है तो संख्या को भी काट लेते हैं, अगर कोई संख्या नहीं कटती तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने से ये होगा थ्री का जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ए का मान इस बार क्या बनेगा नाइन बन जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन यानी कि तीन त्रिका नौ।
ठीक इसी प्रकार से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, 2 7 14 यानी कि 2 7 14। अब हमारा जो नया a का मान होगा वो क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा, और b का मान क्या होगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो v की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस नंबर को यहाँ पर लिखने से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सवाल हमारा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें ए रेशियो बी का मान पता है, वी रेशियो सी का मान पता है, सिंपली यहाँ पर पुट अप करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। देखो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9:14, तो यहाँ पर लिखेंगे 9:14। इसके बाद में वी रेशियो सी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से कितना है, यहाँ पर लिखा हमारे पास 7:5, यहाँ पर लिखेंगे 7:5। और बाकी अपना वही तरीका, यहाँ पर 14 को बढ़ाएंगे और यहाँ पर 7 को बढ़ा देंगे, बीच में रेशियो लगा देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखते हैं क्या कोई संख्या कटती है, अगर संख्या कटती है तो काटते हैं, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 7 से 7 काटेंगे, 7 2 14, 7 से 7 काटेंगे, 7 2 14, क्या इसके लिए और कोई संख्या कटेगी क्या, अब संख्या नहीं कटने वाली, यहाँ से क्या बचेगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 14, और यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 2 10, फाइनली अपना रेशियो आएगा 9:14:10। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिखा है ए रेशियो बी बराबर लिखा है 2/9 और यहाँ पर लिखा है 1/3। इस क्वेश्चन को यहीं पर देख लेंगे, हमसे पूछा गया है ए बी सी डी का मान पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पर देखेंगे ए और बी का मान दिया गया हमारे पास में 2/9 एंड 1/3, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखा इसमें अंश और हर के रूप में लिखा है, इस हर को हमें यहाँ से हटाना है, और हटाने के लिए मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले ये देखना है क्या कोई संख्या नीचे की कटती है, अगर कटती है तो इसे काट देते हैं जिससे और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 की टेबल में आता है 9 3 3 9, यहाँ पर देखेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब a का नया मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। इसी प्रकार से जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, 2 2 4, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, सी का मान कितना आ जाएगा, 5। अब हमारे पास ए बी सी डी के नए मान मिले, ए का मान 2 हमारे पास है, बी का मान 3 है, और सी का मान हमारे पास क्या है, 5। इस मान को यहाँ पर पुट अप करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से भी काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डी का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर डी का मान आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, और सी का मान क्या आएगा, 3 2 6, यानी कि सी का मान 6 हो जाएगा। अब इस मान को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, पुट अप कर देंगे। जैसे पहले देखेंगे ए रेशियो बी की वैल्यू क्या थी, तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:3। इसके बाद में ए रेशियो बी के बाद लिखते हैं बी रेशियो सी, इसके बाद लिखते हैं सी रेशियो डी। अब हमें वैल्यू देखनी है वी रेशियो सी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे बी रेशियो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:5।
इसके बाद में अब देखेंगे सी रेशियो डी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे सी रेशियो डी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सी रेशियो डी ना लिख कर डी रेशियो सी लिख दिया। और हमें यही छोटी छोटी गलती हमसे एग्जाम में हो जाती है, क्योंकि फ्लो में चले जाते हैं। यहाँ पर सी रेशियो डी लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सी रेशियो डी ना लिख कर यहाँ पर डी रेशियो सी कर दिया है। तो इस बार डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 7, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से देखेंगे सी की वैल्यू 6 है, यहाँ पर लिख देंगे 6। और डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इसके बाद में इस नंबर को आगे बढ़ाना है, इस नंबर को पीछे लाना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 को यहाँ पर बढ़ाएंगे, 3 को यहाँ पर, और 5 को यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से 4 पीछे आएगा, ये 6 पीछे आ जाएगा, और ये 6 भी पीछे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सीधे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये देखना है क्या कोई नंबर कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसको पहले काटेंगे। जैसे इसमें देखा कि 2 से इसे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन ये नंबर नहीं कटने वाला, यानी कि इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होने वाला, किसी का भी डिवाइड नहीं होगा। इसमें इवन नंबर, इसमें इवन नंबर, इसमें इवन नंबर तो है, लेकिन इसमें इवन नंबर नहीं, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं कटने वाला, या किसी और नंबर से कटेगा। तो देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं 6 में 3 हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यानी कि इसे हम 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 से ये काटेंगे, 3 से ये काटेंगे, और 3 से इसे काट देंगे 2 बार। तो इस प्रकार से ये नंबर हमारा कट जाएगा, और कोई संख्या तो कटेगी नहीं, और कोई संख्या नहीं कटने वाली। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौको 8 2 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 बना रहेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6 5 6 30, यहाँ पर 30 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, 7 5 35, यहाँ पर लिख देंगे 35। तो ये हमारा फाइनली रेशियो बनेगा 16:6:30:35, यानी कि 16:16:30:35। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, और आप लोग हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप भी कोशिश किया करो, क्वेश्चन को बनाने की आप भी कोशिश किया करो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये लिखा है, 2a = 3b और 4b बराबर लिखा है 2c, हमसे वैल्यू इसकी पूछी गई, इसका मान हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैंने बताया था कि जब लिखा होता है 2a = 3b, यानी कि कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर a b उसके साथ में कोई नंबर जब मल्टीप्लाई में होता है, जिसमें बताया था कि डायरेक्ट याद रखना, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये 2 इसका मान होगा, ये 3 इसका मान होगा। जब दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और साथ ही साथ इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह लगाओ, उनका अनुपात हमेशा अपोजिट होता है, इस बी का मान ये कहलाएगा और ए का मान ये कहलाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इसके बाद में रेशियो बनाएंगे, तो देखो पता चला हमें A का मान यहाँ पर 3 है, B का मान 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेशियो निकाल लेते हैं, A रेशियो V रेशियो C। तो A रेशियो B की वैल्यू क्या हमारे पास, तो A की वैल्यू हमारे पास 3 है,
और बी की वैल्यू क्या है दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3:2। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे बी सी, बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, तो वी की वैल्यू रहेगी 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 4, यहाँ से लिख देंगे 4। इसके बाद में इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे, इस नंबर को पीछे लाएंगे। इसके बाद में जैसे 2 से कट रहा है, 2 से ऐसे काट देंगे, 2 से ही कट गया, बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा 3:2:4, यहाँ पर लिखेंगे 3:2:4, यानी कि ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, और इस ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट अप कर देंगे, जिससे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बी की जगह 2 लिखेंगे, और सी की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पर एक की वैल्यू रखेंगे, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 3 प्लस का 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस का 5 × सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 4 है, 4 लिख देंगे। ऐसे नीचे देखो, नीचे लिखेंगे 4 × एक की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का 2 × बी की वैल्यू क्या है, 2 लिख देंगे, माइनस का 2 × सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9, यहाँ से करेंगे 4×2 = 8, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 12, प्लस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 9, 17, 17 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 37 बन जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा 37 और नीचे क्या आएगा, नीचे देखेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, और 16 में जैसे 8 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 8, तो हमारा फाइनली आंसर क्या बनेगा, 37/8। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार से, लिखा है ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर लिखा है 3/2। याद रखना, जब भी रेशियो कोई संख्या, जैसे लिखा है ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर कुछ भी दिया जाए, तो ये ऊपर की वैल्यू इसके बराबर होती है, नीचे की वैल्यू इसके बराबर होती है, इसके बटे जैसे 1 मान लेंगे, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके भी बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी कि जब संख्याएँ बटे में लिखी हों और बराबर में जो मान दिया जाता है, अंश का मान अंश के साथ जाता है और हर का मान हर के साथ जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ए बाई बी इक्वल सी बाई डी इक्वल 3/2, यानी कि ए का मान क्या कहलाएगा, तो ए का मान 3 होगा और सी का मान भी क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से बी का मान 2 होगा और डी का मान भी क्या होगा, डी का मान भी 2 यानी कि 2 होगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे, यहाँ पर लिखा है 13 × a और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, माइनस का 111 × c, c का मान देखेंगे हमारे पास क्या है, c का मान भी 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3/3। अपॉन में देखेंगे यहाँ पर लिखा है 13, b और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, माइनस का 111 × d की वैल्यू देखेंगे, उसकी भी वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 39, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 333 अपान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 26, माइनस का 2 का करेंगे 222। इसके बाद में घटा देंगे, जब घटाएंगे तो देखो, एक यहाँ से यहाँ पर 3 में 9 हो जाएगा, नहीं एक हाथ से लेंगे 13, 13 में 9 घटा देंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक हाथ से लेंगे 12, 12 में 3 घटा देंगे 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, 294, लेकिन किसका, माइनस का 294। ऐसे नीचे घटाएंगे, हाथ से लेंगे 12 में 6 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 1, 1 हाथ से लेंगे 11, 11 में 2 घटा देंगे 9, यहाँ पर बचेगा माइनस का बचेगा, और माइनस से
माइनस ऊपर नीचे कट जाता है। अब क्या करेंगे, ये संख्या और भी कटते तो उसको काटेंगे किसके पारे में, दो के पारे में आती है, दो से काटेंगे, दो एक